डैम भी बना सकते हैं, पोटैटो टमाटर और पकौड़े की कीमत भी लगा का, 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 का फैसला वो करेंगे। चुनावी स्पीकर, अगर ये काम उनका है, ये काम भी उनका है, तो मैं पूछता हूं कि वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, वजीर खजाना का काम क्या है? अगर इन्होंने ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर ये होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत? मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकता। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज दी है। उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबले फैसले करके, रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे, तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे, जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में जमात उलमा इस्लाम ने जो तजवीज दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम, मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से, मैं कहने के लायक हूं कि इस आईन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाल्लाह ताला में उम्मीद रखता हूं कि कम अज कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफिका आईन का हिस्सा जरूर मानें। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम होने जा रहा है और इसमें जो एक इंकलाबी काम है, मगर इसको शायद आम तौर पे देखा जा रहा है, वही मौसमी तब्दीली के हवाले से जो हमारा वजीर कानून ने जिक्र किया। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला है। मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। मौसमी तब्दीली ग्लोबल एजेंडा है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, वो सब आपके सामने हैं। और जब आप एक वफाकी अदालत वफाकी बेंच बनाने जा रही हैं जो वफाकी डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, तो ये उनको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के अवाम का जो एनवायरमेंटल राइट्स हैं उनको ना सिर्फ तहफ्फुज़ फरहम करे, मगर जनाब स्पीकर इसमें हमारे जो पानी के मसले हैं, पानी का किल्लत का मसला है, पानी को हर किसी को पहुंचने का मसला है, इसी तरीके से तमाम मौसमी तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, हम ना सिर्फ इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं मगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नया बनने वाला आईनी बेंच
اس آئینی حق کو اس ہیومن رائٹ کو نہ صرف تحفظ دلوائے گا مگر نیا جورسپروڈنس انٹروڈیوس کرے گا جس کے نتیجے میں ہم ساؤتھ میں ایشیا میں اس نیا لیگل کانسیپٹ کو اس نیا لیگل پریسیڈنٹ کو پاکستان کی جوڈیشری کے تھرو ہم یہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں